गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे स्किप काउंटिंग। स्किप काउंटिंग मीन्स छोड़ छोड़ के काउंटिंग होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है स्किप इन टू। देखिए टू मतलब क्या कि टू छोड़ छोड़ के काउंट करना है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ का है टू, फिर फोर, फिर सिक्स। तब क्या देख रहे हैं कि टू में टू ऐड होगा तो फोर होगा, फोर में टू ऐड होगा तो सिक्स होगा। तो ध्यान दीजिए, टू के बाद क्या होता है थ्री, तो थ्री छोड़ करके फोर है। फोर के बाद क्या होता है फाइव, तो फाइव छोड़ करके सिक्स है। सिक्स के बाद क्या होता है सेवन, तो सेवन छोड़ कर यहाँ क्या होगा एट। ठीक है, देख रहे हैं तो नीचे में एट लिखा हुआ है ना, वही हो जाएगा एट। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। तो आज हम लोग स्किप काउंटिंग को देखेंगे। ठीक, तो यहाँ क्या लिख देंगे एट। ठीक, नेक्स्ट देखिए, यहाँ क्या है वन, तो वन के बाद वन में टू ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा थ्री, थ्री में टू ऐड करेंगे तो फाइव, फाइव में टू ऐड करेंगे तो सेवन। तो यहाँ कितना होना चाहिए थ्री। चाहे ऐसे देखिए कि वन, वन के बाद क्या होता है टू, तो टू छोड़ करके थ्री। ठीक, थ्री, थ्री के बाद क्या होता है फोर, तो फोर छोड़ करके फाइव, फाइव के बाद क्या होता है सिक्स, तो सिक्स छोड़ करके सेवन। तो यहाँ क्या होगा थ्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्किप इन टू है, मीन्स आपको टू ऐड करके लिखना है। जैसे देखिए नाइन, नाइन में टू ऐड करेंगे तो क्या होगा टेन, एलेवन हो जाएगा। एलेवन में टू ऐड करेंगे तो ट्वेल्व, थर्टीन, यहाँ क्या हो जाएगा वन थ्री थर्टीन। फिर थर्टीन में टू ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा वन फाइव फिफ्टीन। ठीक, फिर आगे देखिए, यहाँ क्या है सिक्स, तो सिक्स में टू ऐड करना है। क्यों? क्योंकि स्किप इन टू है तो टू ऐड करना है। तो सिक्स में टू ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा एट, क्योंकि सिक्स के बाद सेवन और तब एट होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा एट, एट। फिर एट के बाद टू ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा टेन, टेन के बाद टू ऐड करेंगे तो एलेवन, ट्वेल्व। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, यहाँ कितना है वन टू ट्वेल्व, ट्वेल्व के बाद टू ऐड करेंगे तो थर्टीन, फोर्टीन, फोर्टीन में टू ऐड करेंगे तो फिफ्टीन, सिक्सटीन। ठीक है, अब फिर 16 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 17, 18। तो यहाँ क्या हो जाएगा 18, 18। 2 ऐड करके लिखते जाना है। ठीक, एक और देखिए, यहाँ क्या है 7, 7 है, 7 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, 9। तो यहाँ 9 हो जाएगा, 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11, 11 में 2 ऐड करेंगे तो 13। तो यहाँ क्या हो जाएगा 9। फिर देखिए, यहाँ कितना वन फोर फोर्टीन, फोर्टीन में टू ऐड करेंगे तो वन सिक्स सिक्सटीन, सिक्सटीन में टू ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा सेवेंटीन, एटीन, एटीन में टू ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा नाइनटीन, ट्वेंटी। तो आपको टू ऐड कर करके लिखना है। फिर देखिए, यहाँ थ्री है, थ्री में ऐड टू ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा थ्री के बाद फोर, फाइव, देखिए फाइव है। फिर फाइव में टू ऐड करेंगे तो क्या होगा सिक्स, सेवन, देखिए सेवन यहाँ है। फिर सेवन में टू ऐड करेंगे तो क्या होगा तो एट, नाइन, यहाँ नाइन हो जाएगा, नाइन लिख दिए। एक और देखिए, यहाँ शुरू में कितना है वन फाइव फिफ्टीन। अब बताइए कि फिफ्टीन में टू ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो फिफ्टीन के बाद सिक्सटीन, सेवेंटीन, यहाँ क्या हो जाएगा वन सेवन सेवेंटीन। फिर सेवेंटीन में टू ऐड करेंगे तो क्या होगा एटीन, नाइनटीन, वन नाइन नाइनटीन। फिर नाइनटीन में टू ऐड करेंगे तो ट्वेंटी, ट्वेंटी वन, देखिए यहाँ ट्वेंटी वन है। ठीक, और देखिए यहाँ कितना है, यहाँ है वन जीरो टेन। अब टेन में टू ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा एलेवन, ट्वेल्व। फिर ट्वेल्व में टू ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा थर्टीन, फोर्टीन। फिर फोर्टीन में टू ऐड करेंगे तो फिफ्टीन, सिक्सटीन। ठीक, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखेंगे स्किप इन फाइव, फाइव का स्किप काउंटिंग। तो देखिए कैसे देखते हैं, जैसे फाइव, फाइव में फाइव ऐड करेंगे तो टेन, टेन में फाइव ऐड करेंगे तो फिफ्टीन, फिफ्टीन में फाइव ऐड करेंगे तो टू जीरो ट्वेंटी। फिर देखिए यहाँ कितना है थर्टी फाइव, थर्टी फाइव में फाइव ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा फोर्टी, फोर्टी में फाइव ऐड करेंगे फोर्टी फाइव, फोर्टी फाइव में फाइव ऐड करेंगे तो फिफ्टी। ये फाइव आपको ऐड करना है क्योंकि स्किप इन फाइव है यह। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ये क्या है टू जीरो ट्वेंटी,
20 में 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 में 5 ऐड करेंगे तो 30 में 5 ऐड करेंगे तो यहाँ कितना होगा 35, क्या लिख दीजिए 35। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखिए 41 में 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा 46 में 5 ऐड करेंगे तो 51। देखिए 46 के बाद पांच उंगली है ना, 46 के बाद 5 ऐड कीजिए तो क्या होगा 47 48 49 50 51। यहाँ लिख देंगे 51। फिर 51 में आपको 5 ऐड करना है, ठीक, तो कितना हो जाएगा 51 में 5 ऐड करेंगे तो 56 ऐड करके देख लीजिए 52 53 54 55 56। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए यहाँ कितना है 53 में 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा, तब एक हाथ में पांच उंगली है ना, 5 फिंगर्स हैं, इसको ऐड कीजिए 53 के बाद पांच गिनिए 54 55 56 57 58, तो यहाँ क्या लिख देंगे 58। फिर उसी तरीका से 58 के बाद आप 5 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 63 में फिर 5 फिंगर्स ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 68। ठीक, नेक्स्ट देखिए यहाँ कितना है, यहाँ है आपका शुरू में है 67 तो 67 में 5 ऐड करेंगे तो 5 फिंगर्स हैं ना हाथ में, उसको ऐड कीजिए तो 67 के बाद 5 गिनिए 67 के बाद 68 69 70 71 72, देखिए 72 है। फिर 72 में 5 ऐड कीजिए 5 फिंगर्स को तो 73 74 75 76 77, देखिए 77 है। फिर 77 में 5 ऐड कीजिए 5 फिंगर तो 78 79 80 81 82, यहाँ क्या हो जाएगा 82। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और देखिए 75 है, 75 में 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो 75 में 5 फिंगर्स ऐड कीजिए तो 76 77 78 79 और 80, यहाँ 80 हो गया। अब 80 में 5 ऐड करेंगे तो 85 में 5 ऐड करेंगे तो 90। समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखेंगे स्किप पिन 10 का स्किप काउंटिंग, ठीक, तो 10 का स्किप काउंटिंग कैसे होता है स्टूडेंट्स, देखिए उसको देखते हैं। यहाँ कितना है 10 में 10 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 में 10 ऐड करेंगे तो 30 और 30 में 10 ऐड करेंगे तो 40। फिर आगे देखिए यहाँ कितना है 50 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 में 10 ऐड करेंगे 70 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। नेक्स्ट देखिए यहाँ कितना है 1 2 12, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 12 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 में 10 ऐड कीजिए, 10 मतलब दोनों हाथ के फिंगर्स को ऐड कर दीजिए, ठीक, तो कितना हो जाएगा ऐड करके देखिए 32 में 10 ऐड करेंगे तो 42। ठीक, देखिए यहाँ 2 है ना, 1 और 2 इसमें 10 ऐड करेंगे, देखिए यहाँ 2 है तो 2 रहेगा, देखिए वंस प्लेस पर 2 है। अब यहाँ टेंस में 10 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 22, फिर 10 ऐड करेंगे तो यहाँ 32, फिर 10 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 42, यहाँ क्या हो जाएगा 42। नेक्स्ट देखिए यहाँ कितना है 26 26, इसमें 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 36, फिर 10 ऐड करेंगे तो कितना होगा 46 46, फिर 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 56 56। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ कितना है 35 35, इसमें 10 ऐड करेंगे तो कितना होगा 45 45, फिर 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 में 10 ऐड कर दीजिए तो 55 55, फिर इसमें 10 ऐड करेंगे तो कितना होगा 65 65। फिर देखिए यहाँ कितना है 47 47, इसमें 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 57 57, फिर 10 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 67 67, फिर 10 ऐड करेंगे तो क्या होगा 77 77। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और देखते हैं लास्ट, यहाँ कितना है 54 54, 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 64,
फिर 10 ऐड करेंगे तो कितना होगा 7474, फिर 10 ऐड करेंगे तो 8484। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।